उपभोक्ता दिवस पर खाद्य आपूर्ति विभाग के मेरठ रोड करनाल कार्यालय में एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते आज करनाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय में उपभोक्ता मंच की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष प्रतिनिधि संजय बठला ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी गड़बड़ नजर आती है तो अपनी आवाज को उठाएं, यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ गड़बड़ी होती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इस उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ताओं के पास मिलावटखोरों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब सरकार द्वारा कई अधिनियम तथा फोरम का गठन किया गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने के पीछे सरकार की सोच है कि देश व प्रदेश के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, ताकि उनका कहीं शोषण ना हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी समाज में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि अधिकतर अपने लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का दायित्व नहीं निभाते। जैसे कि स्वच्छता को लेकर लोग सफाई कर्मचारी पर निर्भर रहते हैं और अपने घर के कूड़ा कचरा को गली में डाल देते हैं, जो कि उनका दायित्व नहीं बनता। वहीं इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक निशांत राठी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर को हमेशा तुलवा कर लें और गैस चूल्हा ISI मार्क का होना चाहिए। वस्तु की खरीद करते समय उचित रसीद लें, यह आपको सेवा अथवा उत्पाद को कमी पाए जाने पर अपने दावा करने में मदद करती है। आज 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और ऐसे ही 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपभोक्ता दिवस का कि उपभोक्ता को उसके कर्तव्य और अधिकार का पता लगे, इसके लिए मनाया जाता है। अभी यहाँ सबने जानकारी दी कि हमारे उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार है। अगर हमें कोई दुकानदार, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स, कोई जिससे हम सामान लेते हैं वो ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, अगर रेट ठीक नहीं है, जो MRP होता है उससे ऊपर वो बेचने का अधिकार ही नहीं है, अगर कोई उससे फालतू का रेट बताता है तो हम उसको ना लें, उसकी शिकायत करें, ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ हरियाणा सरकार ने एक पत्रक भी आज के दिन निकाला है, वो भी सबके सामने है कि हमारे क्या अधिकार और दायित्व हैं। ऐसी जानकारियाँ अभी यहाँ शेयर की गई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। ठीक है, धन्यवाद। आम आदमी एक सोचता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, 2-4 रुपए का जो डिब्बे का वो वजन है उसमें करके दे रहा है, उसके लिए अगर शिकायत करता है तो साथ साथ इंक्वायरी होगी उसमें। बिल्कुल, जो भी ये शिकायत करते हैं साथ के साथ इंक्वायरी होती है। अगर वो खुद ही दुकानदार को कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो दुकानदार डर के ही वो गलत काम नहीं करता। तो कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा, कस्टमर को अपनी जिम्मेवारी और अपना अधिकार समझने पड़ेंगे, तो इसका लाभ है। धन्यवाद। एक मिनट, आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जिले का अध्यक्ष का दायित्व है। हमारा एक लक्ष्य है समाज को जागरूक करना। अब यहाँ इसलिए आए हैं कि राशन डिपो में भी शोषण है, जो डिपो होल्डर हैं सचमुच में उतना माल डिलीवर नहीं करते जितना कि चाहिए। तो हमारी एक टीम बनी हुई है, हम जाके वहाँ पर जाके देखेंगे सचमुच में वहाँ डिलीवर सही हो रहा है, तो इसका मतलब शोषण नहीं हो रहा। अगर शोषण हो रहा है तो हम जागरूक करके प्रार्थना करेंगे, जिसका जिसको देना है, नहीं देंगे तो ये शोषण है।
लेकिन हम शोषण के विरोध में और जागरूक करने के पक्ष में हमारा ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक संगठन है, तो हम एक बार बदलाव करके दिखाएंगे। राठी साहब से अनुमति है, हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, हम जाके चेकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। लॉकडाउन में सर बहुत इन पे घपलेबाजी हुई है, चलो वो तो जो बीत गया उसको नहीं, अब जाके उनके डिपो पर जाकर हम हमें इन्होंने प्रोवाइड किए, एक टीम बनाई हुई है, हम जाएंगे उनका देखेंगे तो सही होगा तो बल्कि हम उनको इनाम भी देंगे, जो गलत होगा प्रार्थना करेंगे, हम उखाड़ेंगे नहीं उनको, प्रार्थना करेंगे लाइन पर आओ, जिन बंदों का बना हुआ है उनको राशन दो। हम संघ से हैं, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, ये एक ये जागरूक होना चाहिए समाज, को शोषण नहीं होना चाहिए, और हम अच्छे समृद्ध हैं, हम भी समय लगाकर इस देश को इस लाइन में लाना चाहते हैं कि समाज जागरूक हो। बस इतने बड़ा आप जो लोगों को जागरूक करने की पहल करने की सोच रहे हैं सर, ये कब से स्टार्ट होने वाला है ये हमारा संगठन? अरे भाई नहीं, सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने बना है, ये हमारे प्रयास से ही बना है। हाँ, समाज डॉक्टर हेडगेवार ने इस यहाँ पे वो पैदा किए देशभक्त, हाँ जी, दो संघ के संयोजक उनमें खट्टर जी भी एक प्रचारक रहे हैं, तो जागरूक करने वाले पहले पहले भारत भूमि हमारी माँ है, उसके बाद परमात्मा बाद में, हम यहाँ पे कर्मठ कार्यकर्ता देशभक्त तैयार करेंगे, अपने आप जहाँ भी जाएगा जागरूक होगा। धन्यवाद। खुराना मेरा नाम है, जिले का दायित्व है मेरा, इसका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय ग्राहक मंच के साथ जुड़ा हूं और मुझे एक मौका मिला है कि मैं समाज की कुछ मदद कर पाऊं, तो मेरे को जो प्रभार दिया गया वो है ग्राहक के जो अधिकार हैं वो तो ठीक हैं, ग्राहक की ड्यूटीज़ क्या है, उन ड्यूटीज़ को आज हमारे कुछ वक्ताओं ने इसको आगे भी ला दिखाया लाकर, ड्यूटीज़ हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ सोचें कि हमारा जो तो एडमिनिस्ट्रेशन है वही पूरे शहर को साफ कर पाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो प्रभार है मैं मेरे को दिया गया है, मैं मेरा प्रोजेक्ट वो कहता है किस प्रकार से अपने ही घर से हम लोग पेपर पॉलिथिन प्लास्टिक और ये चीज़ें जो हमें शहर में जो वस्तुएं खरीद के लाए मिली हैं उनको अलग करके रख लें, तो ना केवल वो किसी के जीवन का एक पहलू बन पाएगा कमाई का, बल्कि हमारा शहर भी साफ हो जाएगा। अदरवाइज तो आप देखिए हम लोग सफाई करते जा रहे हैं और दूसरे लोग वहाँ पर गंदगी फेंकते चले जा रहे हैं। इस मीटिंग में भी आप देख लीजिए नीचे चीज़ें पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, और अगर इनको हम इकट्ठा करके एक ही जगह पर दे दें तो ये रिसाइकिल हो जाती है और रिसाइकिल होकर वो समाज की गंदगी नहीं बनती और शहर भी हमारा साफ रहता है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा और ये पॉसिबल है, इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने परिवर्तन रखा है, इस परिवर्तन को हम अपने जीवन में अगर लागू कर लें तो हर घर वाला बंदा इस परिवर्तन को लागू करके अपने शहर को साफ रख सकता है। सर, इसकी शुरुआत हमको खुद पहले अपने से करनी पड़ेगी। मैं कर चुका हूँ इसकी शुरुआत, मैंने सीतापुर जब यूपी में मैं सीओ एनसीसी पोस्टेड था, मैंने 1,00,000 किलो पॉलीथीन इकट्ठा किया था, अगर मैं वहाँ कर सकता हूँ तो करनाल में 2,00,000 किलो इकट्ठा हो जाएगा। ये पॉलीथीन आज हम लोग फेंक देते हैं, इसको हम लोग सिर्फ गली से दूसरी गली में, दूसरी गली से दूसरे ढेर में फेंकते रहते हैं। जिस तरह हमारा पोस्टिंग होती है कचरे की भी आज पोस्टिंग हो रही है, आज हमने गली से हमारा जो बंदा कचरा लेके जाता है 100 रुपये लेकर, वो हमारे मोहल्ले के पीछे सेक्टर के पीछे फेंक देता है, उसको वहाँ पर आग लगा दी जाती है, वातावरण प्रदूषित होता है। इससे हम बच सकते हैं अगर उसको हम अलग अलग कर लें, पेपर पॉलीथीन और प्लास्टिक, ना केवल वो बिक जाएगा किसी के लिए वो दो रोटी का सहारा भी बन पाएगा। आप हम लोगों से सहयोग की क्या कामना करते हैं? मैं सहयोग में लोगों को सिर्फ क्या, अगर ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी प्रेस कहती है ये मल्टी फोर्स मल्टीप्लायर हो आप लोग, तो ये लोग अगर लोगों को मेरा कहा समझ में आ जाए तो हमारे समाज में गंदगी रहेगी ही नहीं, हमें कचरे वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर पॉलीथीन प्लास्टिक ही 90% कचरा है आज, अगर आप देखें पीछे जब लॉकडाउन हुआ था तो शहर साफ हो गए थे, गंदगी साफ हो गई थी, क्योंकि कचरा नज़र ही नहीं आता था आपको, और आज भी वो पॉसिबल है, और हमारा वातावरण साफ हो सकता है, बच सकता है, हमारी उम्र बढ़ जाएगी अगर हम लोग इस परिवर्तन नाम के प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कर्नल PS बिंद्रा है, मैं सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को रिटायर नहीं बोलता, मैं रिटायर्ड बोलता हूँ, मैं अपने दूसरे रूप में आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस करनाल को बदली कर पाऊँ। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.